हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन की बहुत ही टेस्टी और बहुत आसान सी रेसिपी। जिसके लिए मैंने प्याज काट लिए हैं, कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं जिनमें इलायची है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, काले मिर्च, लौंग, लाल मिर्च, जायफल, ये सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। और मैंने तेल गरम किया है कुकर में। कुकर में तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें सारे खड़े मसाले एक साथ डाल देंगे और उसको थोड़ी देर तक भुनने देंगे। तेल में खड़े मसाले डालने से ना, जो खड़े मसालों का फ्लेवर होता है वो तेल में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, जिससे मटन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मटन के लिए मैंने लिया है लगभग 700 ग्राम मटन है। मटन को मैंने अच्छे से धुल लिया है। कुछ मसाले ऐड करेंगे जिसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला और मीट मसाला ऐड किया मैंने। कर देने से क्या होता है ना कि वो उसका फ्लेवर जो होता है, मैरिनेट कर दो अगर मटन को तो थोड़ा सा फ्लेवर उसका इन्हांस हो जाता है। तो फिर मैंने उसमें धनिया ऐड करी है, लाल मिर्च ऐड किया, ये सारी चीज़ें पहले से ही ऐड कर दे। इस तरह का आप मटन बनाओ ना तो ये फटाफट भी बनता है। अगर आप जल्दी में हो या फिर सडन आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाते हैं जिन्हें मटन खाना हो और आपको पता ना हो, तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं, आप बहुत इजीली इसे बना सकते हो। और इसमें नमक ऐड कर दिया, थोड़ी देर इसको मैरिनेट करके रखना होता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप रख सकते हो, और नहीं टाइम है तो कोई बहुत ज़्यादा नीड भी नहीं है, आप बना भी सकते हो। मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड किया। पेस्ट ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे धीरे धीरे हाथों से। इसको अच्छे से मिला लिया है। धीरे धीरे इसको अच्छे से मिलाते रहें जैसे सारे मसाले की कोटिंग अच्छे से हो जाए मटन पर। कोटिंग हो चुकी है, अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज ऐड कर लिया है, प्याज को भी अच्छे से मिला देंगे। एक चीज़ और आप ध्यान रखना, अगर आपको कच्चे प्याज का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप मसाला जो अभी गरम मसाले कुकर में मैंने पहले से भुने थे ना, आप उसमें प्याज ऐड कर सकते हो और उसे हल्का सा फ्राई कर लो, उसके बाद आप ऐड करो। अगर आपको पसंद है तो आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो। मैंने काले मिर्च ऐड कर दिए, अब इसको मिक्स कर दिया अच्छे से। इसको बहुत अच्छे से मिलाना होता है जैसे प्याज ना पूरी तरह से मिक्स हो जाए मटन के साथ। इस रेसिपी में आपको पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने प्याज को पहले से भून लिया है तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर दो, लेकिन मैंने प्याज भूना नहीं है इसलिए मैं इसमें पानी का ऐड नहीं करूँगी। प्याज से खुद ही पानी निकलेगा और उसी पानी से मटन पकेगा तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी मैंने बहुत अच्छे से सबको मिक्स कर दिया है। अभी मेरा मटन बिल्कुल मिक्स हो गया है, रेडी है। अब इसको मैं कुकर में ट्रांसफ़र करूँगी। जिस कुकर में मैंने मसाले गरम किए थे ना, उसी कुकर में मैं इसको डाल दूँगी। इसको मैं कुकर में अच्छे से डाल दूँगी और आधे घंटे के लिए पका दूँगी। जब 7-8 सीटियाँ हो जाए तो आप गैस ऑफ कर दो। मटन बनके बिल्कुल रेडी है। मटन बहुत अच्छे से पक भी गया है, एक बार इसे ज़रूर बनाएं, बहुत ही अच्छा लगता है।